अभी मैं हर दिन सोचता हूँ कि नया नया बाइक लाऊं और आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊं। तो आप लोग अगर लाइक सब्सक्राइब नहीं करोगी तो मुझे आगे जाने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, या तो कोई भी बंदा हो अगर देखेगा कि मेरे चैनल पे बहुत सारे सब्सक्राइबर है, बहुत सारे व्यूअर्स है, बहुत सारे लाइक आ रहे हैं मेरे वीडियो पे, तो बहुत सारे लोग ऐसे होगा कि चलो भाई वीडियो बना लो मेरे बाइक से। तो वैसे भी मुझे मौका मिलेगा और अपॉर्चुनिटी बहुत सारे आते रहेंगे, तभी अगर आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं करोगे तो शायद कोई बाइक नहीं देगा और आप लोगों के लिए मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगा। तो लाइक शेयर कर देना ज़रूर और साथ में सब्सक्राइब। बैक टू बैक वीडियो आ रहा है व्हील मैनिया पे, लगता है बंदा फॉर्म में आ गया, बैक टू बैक वीडियो ला रहा है। बैक टू बैक वीडियो लाने का कोई रीज़न नहीं है, ऐसे भी बाइक मिल रहा है इसी वजह से वीडियो आ रहा है। और बाय द वे हेलो गुड मॉर्निंग सत श्री अकाल एंड सुप्रभात, ऑब्वियसली बंगाली हो तो सुप्रभात बोलना चाहिए। तो आज फिर से एक नए वीडियो के साथ हम आपके सामने आए हैं। अभी तो बाइक अच्छा खासा मिल रहा है इसके वजह से डेली वीडियो आ रहा है। ओके तो आज हम लोग जिस बाइक का रिव्यू लेने वाले हैं वो है हीरो सुपर स्प्लेंडर, और बाइक का भी मज़ेदार है। अगर इस बाइक के बारे में थोड़ा सा मैं ओवरऑल बात करूं तो बहुत ही अच्छा एक बाइक है, एक मिड रेंज में, और जो फैमिली वाला सेगमेंट होता है ना, मतलब हर एक सेगमेंट होता है बाइक का, कैटेगरी होता है। तो इसी बात के ऊपर अगर कहा जाए तो सुपर स्प्लेंडर ग्लैमर ये जो बाइक है ना एक फैमिली बाइक है, तो सुपर स्प्लेंडर भी सेम है। लेकिन मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि हर एक स्टेट में कितना यूनिट बिका है मुझे मालूम नहीं कितना सेल हुआ है, बट मेरे जो वेस्ट बंगाल है मतलब पश्चिम बंगाल है, इसी स्टेट में बहुत सारा यूनिट सेल हुआ है सुपर स्प्लेंडर का। आप अगर मार्केट में जाओ तो बहुत सारा देखने को मिलेगा और काफ़ी पॉपुलर है वेस्ट बंगाल में सुपर स्प्लेंडर ग्लैमर ये जो बाइक है ना, काफ़ी पॉपुलर है। तो रिव्यू काफ़ी अच्छा होने वाला है, जो फैमिली वाले लोग हैं ना उनके लिए तो काफ़ी बेहतर है ये बाइक, और माइलेज के मामले में भी सही है एकदम, 50 या तो 60 के बीच में माइलेज देता है, काफ़ी हेल्पफुल और बजट फ्रेंडली बाइक है। ऐसे भी यंग जनरेशन भी यूज़ कर सकते हैं, माइलेज के मामले में सही है एकदम। तो चलो ज़्यादा बातचीत नहीं, इसके फुल रिव्यू बनाते हैं हम। ओके तो इसमें अगर इंजन कैटेगरी की बात करूँ तो 124.7 सीसी इंजन दिया गया है और एयर कूलिंग इंजन है 5 मैनुअल गियर के साथ। तो इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लो, पहले जो सुपर स्प्लेंडर आता था ना, BS6 मॉडल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इससे पहले जो BS4 था, BS3 था, BS2, BS1 मुझे पता नहीं, BS0 वाला भी, तो जो भी हो उसमें फोर्थ गियर आता था, मतलब 4 गियर दिया जाता था सुपर स्प्लेंडर पे, लेकिन इस पे 5 गियर दिया गया है। इसमें हॉर्स पावर की बात करूँ तो 10.72 BHP हॉर्स पावर और 7500 RPM के साथ। ओके तो लगभग ठीक ठाक हॉर्स पावर दिया गया है इसमें। और जो ग्लैमर आता है ना, सुपर स्प्लेंडर ग्लैमर SP जो भी 125 cc का बाइक होता है ना, वो सभी में सिमिलर हॉर्स पावर दिया गया है जो कि मुझे अच्छा लग रहा है, और हॉर्स पावर पहले की तुलना में थोड़ा सा अपग्रेड किया गया है। टॉर्क पावर की बात किया जाए तो 10.6 NM टॉर्क दिया गया है 6000 RPM के साथ, जो कि मुझे सही लग रहा है। हॉर्स पावर टॉर्क पावर उतना कम भी नहीं है जितना चाहिए 125 cc के बाइक में, उतना है। फ्रंट साइड की बात करूँ तो सबसे पहले मैं बात कर लूँ इसका ब्रेकिंग सिस्टम की, तो इसमें IBS ब्रेकिंग सिस्टम दिया गया है, इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम, जो कि बहुत सारे लोग कह रहे थे कि अच्छा है, उतना बुरा भी नहीं। हीरो कंपनी का जो भी नया नया बाइक आ रहा है ना, नया नया मॉडल आ रहा है, सभी में IBS ब्रेकिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, मतलब इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम। और बहुत सारे कंपनी CBS ब्रेकिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, ABS, CBS, लेकिन हीरो कंपनी IBS ब्रेकिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं अभी भी। फ्रंट में भी आपको ड्रम ब्रेक दिखाई देगा और पीछे भी आपको ड्रम ब्रेक दिया गया है, लेकिन सुपर स्प्लेंडर पे डिस्क भी आता है, वो आपकी बजट के हिसाब से ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 130mm का ड्रम ब्रेक आगे भी है और पीछे भी 130mm का ड्रम ब्रेक है। दोनों व्हील साइज की अगर बात करूँ, आगे भी आपको 18 इंच का व्हील मिल जाएगा और पीछे भी आपको 18 इंच का व्हील मिल जाएगा, और दोनों ही ट्यूबलेस टायर है जो कि काफ़ी अच्छा है। अभी तो ट्यूबलेस का मार्केट आ गया है तो ट्यूबलेस दिया गया है जो कि काफ़ी हेल्पफुल होगा।
जो भी राइड करेगा इसे। तो आगे की अगर सस्पेंशन की बात करूँ तो टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर सस्पेंशन दिया गया है, जो कि मुझे लग रहा है कि ठीक ठाक है। ओके, मैं ऐसे भी राइड किया, अभी 150-200 किलोमीटर मैंने राइड किया इस बाइक पे, कोई दिक्कत नहीं है और बहुत ही मज़ेदार एक सस्पेंशन है। और रियर सस्पेंशन की बात करूँ तो 5-स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर सस्पेंशन दिया गया है, जो कि पहले भी था अभी भी है। 4-5 दिन पहले मैंने और एक बाइक का वीडियो बनाया था जो था NS125, उसी में भी हैलोजन यूज किया था कंपनी वालों ने, बजाज वालों ने, और इसमें हीरो कंपनी जो है वो भी हैलोजन ही यूज कर रहा है, आप देख सकते हो। तो ठीक ठाक है, LED होता तो और मजा आएगा। तो सबसे ज्यादा मैं जिस चीज़ के बारे में बात कर रहा था वीडियो बनाने से पहले वो है इसका माइलेज, तो इसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। तो उससे पहले बात कर लूँ इसका स्टोरेज कैपेसिटी का, तो इसमें 12 लीटर का मतलब 12 लीटर का स्टोरेज कैपेसिटी इसमें दिया गया, जो कि अच्छा है, और 1 लीटर में रिजर्व में आता है। और माइलेज की बात करूँ तो 60 के आसपास, मतलब 55 से 60 के आसपास माइलेज दे रहा है। इसी वजह से मैं बोल रहा था कि फैमिली वाले के लिए ना ये बाइक एकदम सही है, माइलेज तो भाई तगड़ा है, एकदम फारू है। ओके, 60 माइलेज है, कम नहीं होता है। तो जो भी बाइक आ रहा है ना 2020 है, तो 2021 पे जो भी बाइक आया है तो सभी का सीट क्वालिटी बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन सुपर स्प्लेंडर में मैं 3 दिन से इसे राइड कर रहा हूँ, 3 दिन से मैं चला रहा हूँ इस बाइक को, लेकिन सीटिंग मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, कंफर्टेबल सीट नहीं है। मक्खन वाला जो सीट हर कंपनी दे रहा है ना सुपर स्प्लेंडर पे, वो नहीं है। ओके, ग्लैमर पे है लेकिन सुपर पे नहीं दिया गया, तो सीट क्वालिटी उतना मुझे अच्छा नहीं लगा। लेकिन सीट दिखने में बहुत ही लंबा और बल्कि दिखने में लग रहा है। हम लोग 3 आदमी अभी इस पे बैठ के आए हैं, तो इजीली 3 आदमी बैठने के बाद भी हम तो ऐसे भी पतला है, और भी 1 आदमी हो जाता है इसमें, तो सीट इतना लंबा दिया गया है ना, तो 3 आदमी आराम से बैठ सकते। और पीछे जो भी बैठने वाला है उसके लिए एक ग्रिप दिया गया है, जो कि ठीक ठाक है, पहले भी ऐसा ही ग्रिप था, अभी भी ऐसा ही ग्रिप है, थोड़ा सा चेंज किया गया है, तो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। ओके, और इंडिकेटर वगैरह जो भी है वो 2021 वाला जो था इसी में भी सेम इंडिकेटर अभी भी है, तो इस पर नया कुछ नहीं है दिखाने के लिए। तो हैंडल क्वालिटी की बात करूँ तो पहले भी जो हैंडल था अभी भी सेम है, मतलब 2020 का बात कर रहा हूँ मैं, उससे पहले जो मॉडल था उसके बारे में नहीं। तो हैंडल ठीक ठाक है। लेफ्ट साइड हैंडल बार की बात करूँ तो आपको एक अपर बीम लोअर बीम का बटन मिल जाएगा, नीचे आपको इंडिकेटर का बटन मिल जाएगा दो, और नीचे आपको उसके ठीक नीचे आपको मिल जाएगा हॉर्न का बटन, लेकिन अभी चाबी ऑफ है मेरा हॉर्न का बटन। और पीछे आप देख सकते हो एक पास बटन आपको मिल जाएगा। और राइट साइड हैंडल बार की बात करूँ तो आपको एक ITS का बटन मिल जाएगा, साथ ही में आपका ठीक उसके नीचे आपका इग्निशन का बटन मिल जाएगा। ओके, ये रहा इग्निशन का बटन रेड कलर में, और ब्लू कलर में आपको जो दिखाई दे रहा है वो ITS का बटन है। डिस्प्ले की बात करूँ तो फुल्ली एनालॉग मीटर है, और 3 एनालॉग मीटर में दिए गए। तो सबसे पहले ये रहा, तो इसमें जो बीच वाला दिख रहा है ना, बड़ा वाला एक बीच में जो दिख रहा है, स्पीडोमीटर है कि आपकी बाइक कितने स्पीड में दौड़ रहा है वो दिखाएगा। और ये रहा, ठीक इसी के बीच में एक दिया गया है जो है कितना किलोमीटर बाइक चल चुका है इसके बारे में इधर दिया गया है। और अगर राइट साइड मीटर की बात करूँ तो इस पर फ्यूल इंडिकेटर, फ्यूल दिखाएगा आपका कितना फ्यूल है कितना नहीं है, फ्यूल इंडिकेटर है। तो लेफ्ट साइड में जो मीटर दिख रहा है ना आपको, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो क्या क्या मिलेगा आपको, तो इस पर मिलेगा आपको अपर बीम लोअर बीम का मिलेगा, न्यूट्रल का मिलेगा, और इसमें आपको सेंसर का भी इंडिकेट करेगा। साइड स्टैंड में आपको सेंसर दिया गया है वो भी दिखाई देगा, और एरा आपका इंडिकेटर का, इंडिकेटर का लाइट जो है ब्लिंक कर रहा है आपको दिखने में मिल रहा है। और ITS जो बीच वाला जो है ना, ITS लिखा हुआ है, तो इस पर आपको ITS का लाइट जलता है। तो छोटा सा एक इन्फॉर्मेशन वीडियो था, अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, और ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं बनाया मैं क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वीडियो बना के ऑलरेडी YouTube में डाल चुका है, लेकिन मेरे पास बाइक मैनेज नहीं हो रहा था, इसके वजह से मैं लेट किया वीडियो देने में। अभी मैं हर दिन सोचता हूँ कि नया नया बाइक लाऊँ और आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊँ। तो आप लोग अगर लाइक सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मुझे आगे जाने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, या तो कोई भी बंदा हो अगर देखेगा कि मेरे चैनल पर बहुत सारे सब्सक्राइबर है, बहुत सारे व्यूअर्स है, बहुत सारे लाइक आ रहे हैं मेरे वीडियो पे, तो बहुत सारे लोग ऐसे होगा कि चलो भाई वीडियो बना लो मेरे बाइक से, तो ऐसे भी मुझे मौका मिलेगा और अपॉर्चुनिटी बहुत सारे आते रहेंगे। तभी अगर आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं करोगे तो शायद कोई बाइक नहीं देगा और आप लोगों के लिए मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगा। तो लाइक शेयर कर देना ज़रूर और साथ में सब्सक्राइब। ओके, तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, सेफ ड्राइव, सेफ लाइफ, बाय। मैं छोटा सा राइड करके आपको दिखाने वाला हूँ इसके साथ साथ।